गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी दो तीन दिन से वीडियो नहीं डल पा रही थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं थोड़ा बीमार चल रहा था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है तो मैंने आज को साइंस का लेक्चर और मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज और आपके लिए मैथ का लेक्चर भी लेकर आया हूँ। तो देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ से कराया था, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े, फिर नंबर सिस्टम पे आए और आज हम आ गए एलसीएम और एचसीएफ पर। तो एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एलसीएम वह छोटी संख्या होती है। एलसीएम, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एलसीएम लिखा है। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें उन दोनों संख्याओं का क्या जो है भाग चला जाए, इसको भी ध्यान रखना है। बाय छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन दोनों संख्या जो संख्या दी गई हैं उन दोनों संख्या को क्या हो जाए, भाग चला जाए। अब एलसीएम को तो मैंने बता दिया आपको। अब छोटी से छोटी का मतलब है यहाँ पर सीधी बात, छोटी नहीं रहती है वो संख्या, भले ही अपन उसको परिभाषा में कहते हैं छोटी से छोटी संख्या, लेकिन वो क्या छोटी संख्या होती नहीं है, वो कहीं संख्या होती है बड़ी संख्या होती है। जैसे आपने देखा वो कोई भी चीज़ का दो और चार का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, चार एलसीएम आएगा, बड़ी संख्या आ रही ना, भले ही उसको छोटी से छोटी कह रहे हैं लेकिन बड़ी संख्या आती है। अब इसके बाद आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये लिखा है महत्तम समापवर्तक क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसमें उन दोनों संख्याओं का क्या हो जाए, भाग चला जाए। जो वो ऐसी संख्या जिससे उन दोनों संख्या में क्या हो जाए, भाग चला जाए, वो जिससे भाग दोगे तो दोनों में संख्या में पूरा भाग भाग जाएगा। अब देखिए कि आपके लिए थोड़े दो तीन फॉर्मूले आईएमपी हैं, इसलिए मैंने लिख दिए हैं इधर पे, इसके विशेष ध्यान रखना है आप लोग। ये फॉर्मूले बहुत है आईएमपी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके लिए संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम में से अगर ये आता है एलसीएम और एचसीएफ का सवाल, तो आपके लिए फॉर्मूले याद होंगे तभी आप अच्छे सवाल कर सकेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम बराबर एचसीएफ। क्या लिखा है, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम बराबर एचसीएफ। दूसरा है भिन्नों का मासा, भिन्नों का मासा, भिन्नों का मासा क्या है, अंश का महत्तम समापवर्तक बटे हर का लघुत्तम समापवर्तक। बस आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आपसे पूछी गई है बस उसी को आपको वो निकालना है ऊपर का। यहाँ देखिए यहाँ मासा पूछा गया है भिन्नों का, तो यहाँ देखिए अंशों का मासा रखा दिया गया है। यहाँ भिन्नों का लासा पूछा गया है तो अंशों का लासा कर दिया गया है। और बिल्कुल देखिए उसके जो जस्ट अपोजिट में क्या किया गया है, विपरीत में, यहाँ मासा था तो यहाँ लासा कर दिया गया है, यहाँ लासा था तो मासा कर दिया है। बस कुछ नहीं किया जाता है, जो पूछा जाता है बस उसी को अंश का वो कर दिया जाता है और उसके जो हर होता है उसका उल्टा कर दिया जाता है। यहाँ भी वही किया गया है, अंश का वो कर दिया गया है जिसे लासा और उसका उल्टा कर दिया हर का मासा। अब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है, अब क्या करना है आपको, मैंने आप लोगों को बताया जब भी आप मेरा लेक्चर देखें, चाहे साइंस का लेक्चर देखें, चाहे जनरल नॉलेज का देखें या फिर मैथ का, तो आप एक रजिस्टर जरूर रखें। रजिस्टर रखने से क्या होगा कि जो भी मेरा एक कोई भी चीज़ या फॉर्मूला या कोई विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आए तो उसको आप नोट डाउन करिए, तथा जिससे कि आप क्या कर सकें उसको अच्छे से अच्छे पढ़ सकें और रिवीजन कर सकें और याद कर सकें, ठीक। और आपको वीडियो तो अवेलेबल है यूट्यूब पर बिल्कुल 24/7, जब आप देखना चाहें जब देख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर भिन्नों का लासा और भिन्नों का मासा और संख्याओं का गुणनफल आप देख चुके होंगे क्या होता है संख्या गुणनफल। अब करते हैं हम थोड़े से सवाल, ठीक ना, अब करते हैं हम थोड़े सवाल। ये लिखा है पहला सवाल, ये SSC का सवाल है, SSC CGL में आया था, तो इसको देख लेते हैं कैसा था सवाल SSC CGL का। यहाँ लिखा है 84, 126, 140 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। 84, 126, 140, यहाँ लिखिए सबसे पहले 84। महत्तम समापवर्तक का मतलब मैंने बताया बहुत बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन बड़ी नहीं रहेगी छोटी रहेगी। अब देखिए 84 लिख लीजिए पहले, क्या लिखेंगे 84, इसका एलसीएम निकालेंगे मीन्स फैक्टर निकालेंगे 126, इसका फैक्टर निकालेंगे 140, इसका फैक्टर निकालेंगे, निकाल के देख लेते हैं 2 2 4 4 8 2 2 8 2 2 4 2 4 6 7 1 3 7 1 6 3 3 6 3 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
35 पीछे इधर 2 35 5 7 और 7। ये देखिए
मैंने अभी बताया आपको, बहुत बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है, लेकिन कौन सी संख्या होगी? बड़ी की जगह उल्टी छोटी संख्या लिखना है यहाँ पे। तो कौन सी संख्या है तीनों में आप बताइए, कौन सी संख्या लिख रही है आपको? यहाँ दिख रहा है दो, यहाँ दो, यहाँ दो। तो सबसे पहले लिख दीजिए यहाँ HCF या महत्तम समापवर्तक बराबर। कौन कौन सी संख्या दिख रही है आपको इधर? यहाँ आपको दो दिख रही होगी, जो तीनों में हो, ये विशेष ध्यान रखना है, जो संख्या तीनों में हो एक सी संख्या। दो 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 दिख रही है आपको, एक दो दो, ये क्या हो गया इसका एक। फिर दूसरी संख्या क्या है यहाँ? दो दो नहीं है, तीन तीन यहाँ तीन नहीं है, सात सात सात, देखिए 1 7 2 7 3 7 दिख रही है आपको। तो यहाँ कौन सा है? गुणित लगा के सात कर देंगे, 7 2 14, ये क्या हो गया डायरेक्ट आंसर। बस आपको क्या करना है, अच्छे से थोड़ा देख लेना है, मैंने आपको बताया है कि क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, थोड़ा ही से आपको अच्छे से देखेंगे कि महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है छोटी सी छोटी जगह, बड़ी भले ही हम कह रहे हैं उसको महत्तम इस बड़ी, लेकिन छोटी से छोटी संख्या क्या है ये 14। देखो 140 जा रहा है, इन सब में आप भाग देकर देख लीजिए, सब में भाग चला जाएगा इनका। 14 का भाग देंगे 140 में तो 10 बार जाएगा, इसमें देंगे तो चला जाएगा, इसमें देंगे तो चला जाएगा, ठीक। 14 5 70, 14 6 84, ठीक। अब इसमें ये 14 9 126, 14 3 124, बस आपको एक बार देखना है करके। अब मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ क्या क्या कर दिया जाता है गुणनखंड में, अच्छे से देखना। ये दो है, दो का दुनिया इतनी बार पढ़िए कि 14 से ज्यादा ना हो, तो 2 7 14 लिखा है, 0 का 0 लिख दिया। दो का दुनिया इतनी बार पढ़िए कि 7 से ज्यादा ना हो, तो 2 3 6, यहाँ एक कम बचा, 6 7 में 6 का 1 बचा, तो 1 और 0 हो जाते 10, 2 5 10 का 0, हाँ सिलाई में अब कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ 35 हो गए, इतने से भाग देना कि 35 हो जाए, तो 5 से भाग दिया तो कितनी बार भाग जाएगा? 7 बार भाग जाएगा, 5 7 35। अब यहाँ 7 है तो किसी चीज से भाग नहीं आ रहा, तो किस संख्या से भाग जाएगा? उसी संख्या से, जो 7 है 7 में 7 से ही भाग जाता है, तो डायरेक्ट लिख दिया 1। ऐसे यहाँ किया है 2 का 6 बार पढ़ा दुनिया, फिर 2 3 6 कर दिया, 3 2 6 कर दिया, 3 1 3 कर दिया, 3 2 27, 3 1 21, 7 1 7। बस आपको अच्छे से दिमाग में रखना है कि कैसे हमें सवाल करना है। अगर आप एक बार अच्छे से दिमाग में रख लेंगे कि कैसे सवाल करना है, तो आप कभी भूलेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। बस थोड़ा सा अच्छे से इसको देख लीजिएगा कि कैसा किया है मैंने। अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे, आगे का सवाल क्या कह रहा है, ठीक। आगे का सवाल कह रहा है कि 15 18 24 27 36 का LCM ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 15 18 24 27 36 क्या ज्ञात करना है? LCM क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। तो आपको इसमें किस चीज से भाग जाते दिख रहा है? तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। कौन सी संख्या से भाग दिया जाता है? सबसे छोटी। सबसे छोटी कौन सी है? 2। ये विशेष ध्यान रखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 है, ठीक ना। तो अब 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? यहाँ तो जाएगा नहीं, इसको जैसे कि जैसे लिख दिया 15। यहाँ कितनी बार जाएगा? 2 9 18। यहाँ कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। यहाँ कितनी बार जाएगा? बिल्कुल 27 के 27। यहाँ कितनी बार जाएगा? 18 बार जाएगा, ठीक। इसको विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी चीज अगर जिस चीज में भाग नहीं जा रहा, जैसे इस 15 में नहीं गया, इसमें नहीं गया, 27 में, तो उसको वैसे का वैसा ही वहीं पे उतार देंगे, उसके नीचे वाला नंबर। अब यहाँ 2 से फिर जा रहा है भाग, तो यहाँ 15 का नहीं गया तो 15 ही लिख दिया। एक काम कीजिए, आप यहाँ से लाइन खींच लीजिएगा जिससे आपको गड़बड़ ना हो। तो 9 में नहीं जा रहा तो 9 लिख दिया, 12 में जा रहा तो 6 लिख दिया, 27 में नहीं जा रहा तो 27 लिख दिया, 18 में जा रहा तो 9 लिख दिया, 2 9 18। अब एक लाइन फिर खींच दिएगा, फिर देखिएगा 2 से जा रहा कि नहीं, हाँ ये जाएगा 2 से, तो 15 यहाँ जाएगी तई, फिर 9 यहाँ लिख दिया, फिर 3 जाएगा इधर, फिर यहाँ 27, फिर यहाँ 9 आ गए, फिर एक लाइन खींच दीजिएगा आप। अब यहाँ देखिए कहीं भी 2 से भाग नहीं जा रहा है। अब आपको इसलिए नहीं आ रहा होगा यहाँ थोड़ा समझ में, मैंने आपको बताया कि आप जब भी मेरा लेक्चर देखने बैठे तो शुरू से ही देखें, क्योंकि ये भाई मैथ है, और जो जितने भी ये सवाल वगैरह होते हैं इनको थोड़ा आप शुरू से पढ़ेंगे जब ही आपको अच्छे समझ में आएगा। जब तक आपने शुरू से नहीं पढ़ा होगा तो कैसे आपको समझ में आएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छे से पढ़िए। अब देखिए कि क्या लिखा है इधर, यहाँ कैसे भाग जाएगा? 3 से। कितने से जाएगा? 3 से 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3 3 9 27, 3 3 9। देख लीजिए अच्छे से देखना, बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। अब यहाँ कितने से भाग जाएगा? अब भाग जाएगा फिर से 3 से। देखे यहाँ 5 के 5 ही आ जाएंगे, यहाँ 3 के 3 3 1 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 1 3, 1 3 3 9,
3 × 1 = 3, फिर से यहाँ भाग देंगे 3 से, कितनी बार जाएगा 5 × 5, यहाँ एक, अब देखिए फिर से देंगे कितनी बार किस से भाग जाएगा, 5 से जाएगा, 1 1 1 1 1 1, यहाँ कॉमा लगा दिए मैंने। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, जब भी अपन एलसीएम निकालते हैं क्या करते हैं, एलसीएम वो करते हैं निकालते हैं क्या करते हैं, एलसीएम इक्वल टू लिख लेंगे, एलसीएम इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 कर दीजिएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5, अब गिन लीजिएगा आप, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 × 5, अब कुछ नहीं करना आपको, सीधा कर देना गुणा, आप गुणा करेंगे तो कैसा आएगा, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 45 × 90, 90 × 3 = 270, 270 × 540, 540 × 1080, ये है क्या आपका आंसर, कुछ नहीं हुआ है, बस आपको इसको अच्छे से देखना है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपकी मेरी गारंटी है कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या किया है मैंने। ठीक, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, पूरी संख्या लिखी जैसी की तैसी, देखी यहाँ से मैंने संख्या लिखी ये जैसी पूरी लिख दी, बस कॉमा लगा देगा बीच में और भाग दे देगा आखिरी में, जब तक एक एक नहीं आ जाता है जब तक आपको भाग देते जाना है, जब एक एक आ जाए तो आपको डायरेक्ट उसका गुणा कर देना है, खत्म, आंसर निकल आएगा। ठीक, अब इसके बाद हम आगे करेंगे कि भिन्नों का मासा कैसे ज्ञात करें और भिन्नों का लासा कैसे ज्ञात करें, उसके लिए थोड़ा हम ये साफ कर दें, आपके लिए मैं एक बार पीछे हो जा रहा हूँ, जिससे अगर आपको ये लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक, अब हम इसको मिटा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो, ये एलसीएम है, ये एससीएफ है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डालकर, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है आपको तो कॉन्टैक्ट नंबर से बात कर लीजिए, अब मैं मिटा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक ना, और जब भी मैं मिटाऊँ तो आप लोग थोड़ा पहुँच कर उसको क्या कर लीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा एक वीडियो को, जिससे आप लोग को ये मेरा मिटाना ना दिखे, क्या है मैं तो ऐसा तो है नहीं कि बार बार वीडियो कट करके बनाऊंगा, तो मैंने ये सोचा है कि मैं वीडियो कभी एडिट नहीं करूंगा, एडिट करने से क्या होता है पता नहीं क्या सर, एडिट करने का कोई फायदा नहीं है ना, अपन जब अच्छे से पढ़ा रहे तो एडिट करने की जरूरत ही क्या है। ठीक, इसके बाद आते हैं हमें, देख लीजिए मैंने मिटा दिया आप लोगों के लिए, अब ठीक है, अब नहीं होगी आपको तो। अब मैंने अभी बताया आपको कि भिन्नों का मासा कैसे ज्ञात करेंगे और भिन्नों का लासा कैसे ज्ञात करेंगे, तो देख लीजिए ये क्वेश्चन यहाँ 14/33 कितना लिखा है यार, 14/33 कॉमा 42/55 कॉमा 21/22 का क्या करना है, मासा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, माँ और शाह मीन्स महत्तम समापवर्तक इसका निकालना है। तो मैंने इसके लिए आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी हम कोई भी सवाल का महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला आपको मालूम हो जाए, जब तक आपको उसका फॉर्मूला नहीं तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने फॉर्मूला लगाया है कि भिन्नों का महत्तम समापवर्तक बराबर अंशों का महत्तम समापवर्तक बटे हरों का लघुत्तम समापवर्तक, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।
फिर आप सीधे जैसे अपने यहाँ इसका मास निकाला था, ऐसा लास निकाला था, सीधे निकाल देंगे तो इसका कैसे आ जाएगा 1442 और 21। इसका निकालेंगे अपन सबसे पहले एलसीएम, इतने का एलसीएम और इतने का एससीएफ, लिखे दे रहा हूँ मैं एससीएफ और एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे कितना है, एलसीएम देख लीजिए 33 55, यहाँ 21 है नहीं 22 है, देख लीजिए यहाँ से भाई मैं कह रहा हूँ क्या है 22। अब देखिए भाग देंगे अपन कितनी आ जाएगा, यहाँ डायरेक्ट दे दीजिए 11 से जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 11 3 33, 11 5 55, 11 2 22, यहाँ 3 बार जा रहा है 1 5 2, यहाँ 5 बार का 2 बार जा रहा है 1 1 1 5 1, यहाँ जा रहा है 5 बार 1 1 1, ठीक ना 5 से जा रहा है। अब देख लीजिए आप, हमने अभी बताया एलसीएम का मतलब क्या होता है, उसको गुणा करते जाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे ऐसा कर देंगे, तो एल सी एम इक्वल टू कितना आएगा 11 × 3 × 2 × 5, कितना आ गया 11 × 3 × 2 × 5, 5 2 10, मालूम है आपको 10 3 30, माने 5 2 10 और 10 3 30, 30 11 330, आपको अगर नहीं बनता हो तो देख लीजिए कर लीजिए 11 × 30, 3 1 3 3 1 3 0 0, आंसर आ गया इतना। कितना पहले इसका फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था, ये क्या फॉर्मूला है इसका देख लीजिए, यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला में क्या लिखा सबसे पहले मैंने क्या निकाला हर का एलसीएम निकाला, मैंने इतने का एलसीएम कितना आया 330 आ गया, आंसर लिखना है इसको विशेष ध्यान रखना है, ये क्या है आंसर है ठीक। अब इसके बाद क्या करें कि जो ऊपर का है इसका क्या निकालना है एससीएफ निकालना, मैंने अभी सिखाया आपको, तो एससीएफ कैसे निकालते हैं सबसे पहले लिखेंगे 14, फिर लिखेंगे यहाँ 42 42, फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ 21, ये लाइन यहाँ खींच दे रहा हूँ मैं ठीक, यहाँ भी मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ और यहाँ भी एक लाइन, यहाँ 2 × 2 कितनी बार जाएगा 7 बार, यहाँ आएगा 7 × 1 = 7, 2 × 2 कितनी बार जाएगा 2 × 1 = 2 × 4, 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 7 बार और 7 × 2 = 1 बार, यहाँ 7 × 3 = 7 बार और 7 × 2 = 1 बार। अब आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो इसलिए मैं थोड़ा इसको क्या करता हूँ हाईलाइट कर देता हूँ, कि आपको थोड़ा यहाँ खिचड़ी चिपकी दिख रही होगी तो मैं वो खिचड़ी को अलग अलग दिखा देता हूँ, कि ये भाई खिचड़ी में ये अलग है खिचड़ी के लिए, ये अलग मटेरियल है खिचड़ी में और ये अलग खिचड़ी के सामान है, जिससे क्या हुआ आप कभी कन्फ्यूज ना हो। तो देखिए एस सी एफ का मतलब होता है जो तीनों में वस्तु, तो क्या है तीनों में, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, तो अपन 7 पहले लिख देंगे, लिख दिया, और यहाँ 2 तो है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है ठीक ना, तो यहाँ कट गया, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है तो यहाँ कट गया, तो आंसर आ जाएगा 3/7 7/7/330, क्या हो गया ये आंसर हो गया। क्या किया भाई हमने देख लीजिए आप अच्छे से, पहले इसमें हमने किया है सबसे पहले ऊपर की जो संख्याएं थी उनका हमने महत्तम समापवर्तक निकाला, फिर जो नीचे की संख्या थी हमने उसका एलसीएम निकाला, मीन्स लघुत्तम समापवर्तक निकाला और डायरेक्ट हल कर दिया, और कुछ नहीं किया। आप पास एक बार ये सीख जाएंगे कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं और लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं तो आपको डायरेक्ट सवाल बन जाएगा, तो अगर आप नहीं सीख पाएंगे तो मैं सिखा ही रहा हूँ आपको, और मैं अभी आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी बताऊंगा कि कैसे आपको टेस्ट करने है, कैसे आपको पेपर करना है कहीं भी ठीक। तो अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए आप, मैं मिटा नहीं रहा हूँ इतनी देर के लिए निकल जाता हूँ, वीडियो पॉज कीजिए और लिख लीजिए ठीक। अब इसको हम अलग कर दें, इसको विशेष ध्यान रखना आप लोग कि जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा भाई जब तक कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कह रहा हूँ मेरे भाई लोग फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, अगर फॉर्मूला नहीं है तो कुछ नहीं होगा भाई आपका, और फॉर्मूला अगर एक बार हो गया ना फिर तो ये मेरी गारंटी कोई भुला नहीं सकता आपके इस बार, बस एक बार क्या चाहिए आपको मन में फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस एक बार मुझे फॉर्मूला बता दें कि मुझे फॉर्मूला हो गया सर कमेंट बॉक्स में, तो मैं मान लूंगा कि हाँ भाई तुम लोग फॉर्मूला याद कर रहे हो और
सवाल भी आप लोगों के बन जाएंगे। और जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए तो बहुत बहुत अच्छा है ना, और जो नहीं पढ़ रहा था उसके लिए क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए तो क्या है बहाने चाहिए पढ़ते हैं 1760। ठीक ना, और तो कुछ नहीं। बहुत बच्चे मुझसे कहते हैं सर टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, अब वो तो बहाने हैं, जो जैसा जिसका बहाना है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आगे वाले सवाल पर। क्या है आगे का सवाल, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये सवाल को पढ़ रहे हैं हम, ये कर चुके हैं, इसके सवाल को हम आगे दौड़ा रहे हैं। ठीक ना, इसको पीछे जाना है। कौन सा सवाल है, 11/14। देख लीजिए आप, यहाँ सवाल लिख दे रहा हूँ मैं, 11/14 कोमा 55/42 कोमा 33/35। देख लिया आपने, कोमा लगे हैं ये थोड़ा, आपने एक समझ नहीं लगे। ठीक ना, मिटा दे रहा हूँ, ठीक, कोई काम नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो आपको। अब देखिए 11/14 कोमा लगा दीजिए, 55/42 कोमा लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है कि मैंने अभी बताया आपको, यहाँ क्या निकालना है, बल को LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। तो जब भी LCM निकालना पड़ रहा है तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया LCM निकालने के लिए, क्या अंशों का लासा, अंशों का जो क्या करना है, लासा निकालना है, मीन्स लघुत्तम समापवर्तक क्या निकालना है, और हरों का क्या निकालना है, मासा, हरों का महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक ना, निकाला अपन ने हर अंशों का लासा और हरों का महत्तम समापवर्तक। निकालने के बाद आपको क्या करना है कि इन सबको निकालने के बाद आपको, जैसे आपने इस संख्या का निकाला था ना लासा, इस संख्या का मासा, वैसे इसको हल कर देना है। तो जैसे आप 33 अंश का लिखा है, अंश का लासा निकालेंगे तो 11, 55 और 33, तो इसका जो लघुत्तम समापवर्तक आएगा 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 11 5 55, 11 3 33। इसको अच्छे से देखिए आप लोग कि क्या करना है इस सवाल में। यहाँ पूछा गया है लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, तो अंश का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, निकालनी पड़ेगी यहाँ 11, 1, 5, 3। अब यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 1। अब देख लीजिए पूरा सवाल मैंने कर दिया है, यहाँ कैसे किया मैं बता दे रहा हूँ आपको कि 11 से भाग दिया तो 11 एकम 11, 11 5 55, 11 3 33। अब जो 1 से भाग दिया, 1 एकम 1, 1 5 5, 1 दिया 3, 3 से भाग देंगे तो 5 में तो जाएगा नहीं, 3 में गया तो डायरेक्ट लिख दिए 3। अब 5 में भाग दिया, 5 से तो जाएगा नहीं, 1 में जो 5 में चला गया तो 1 आ जाएगा, 1 आ गया, 1 आ गया। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इस 3 का गुणा इस 5 में और इसका इसमें और इसका इसमें, तो 5 3 15 15, इसका कर दीजिए 5 3 15 15 एकम 15 15 11 15 का गुणा 11 में करिए, 15 × 11 / हरों का मासा ज्ञात करना है। तो मैंने अभी बताया मासा कैसे ज्ञात करते हैं, ये लिख दिए यहाँ 14 लिख दिए ना, 14 लिख दिए। तो इन 14 को कैसे करेंगे अपन, 2 7 7 1 लिख दिया। अब यहाँ लिखे हैं 42 लिखे हैं, तो 42 में कितना आएगा, 2 2 2 4 2 1 2 2 2 7 नहीं 2 7 नहीं 3 7 21। ठीक ना, 7 एकम 7। अब यहाँ लिखा है 35, तो 35 में कितने भाग जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 35 7 एकम 7। अब आप यहाँ देखिए SCF का मतलब होता है क्या होता है, महत्तम समापवर्तक का, कि जो तीनों में हो। क्या है यहाँ तीनों में, 1 2 3, क्या है तीनों में, 7 है बस, और कुछ तो नहीं दिख रहा आपको, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है। ठीक है, क्या है 5 7 नहीं 7 7 7, तो क्या है इसका SCF, 7। 15 11 5 55 की 5, 6 से लाई 1, विशेष ध्यान रखना, 11 एकम 11 और 1 12/7। दिस इज ये आंसर फॉर योर सवाल या फॉर योर क्वेश्चन। ठीक, और कोई प्रॉब्लम है आपको, लास्ट सवाल बचा हुआ है, इसके बाद आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा, जिससे मैं कभी भी कमेंट बॉक्स से देखूँ तो आपको जरूर बताऊंगा। एक बंदे ने मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगा था, तो वो बंदा या बंदी जो भी हो, तो कृपया कर वो मेरे फेसबुक अकाउंट पर कॉन्टैक्ट कर सकता है कि उसको नंबर क्यों चाहिए। ऐसे नंबर देने के लिए तो दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी
ऐसे नंबर नहीं दे सकता अभी उसके लिए, ठीक ना? दे दूंगा अगर वो दोबारा रिक्वेस्ट करेगा तो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब कैसे हम इसके बाद ये सवाल करेंगे, आखिरी सवाल है, इसको अच्छे से समझिएगा। इसके बाद जो कल विधि रहेंगी वो अलग विधि रहेंगी आपको समझाने के लिए। इसके विधि ध्यान रखिए कि आपको कौन सी विधि समझाई जा रही है। अगर एक बार वो विधि समझ गए आप, फिर आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर नहीं समझे ना, तो जिंदगी भर वही समझते रहोगे, फिर भी नहीं बनेगा। ठीक, इसके लिए विशेष ध्यान रखना आप। मैं यार भाई आप लोग इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग तो पढ़ने नहीं जाते हैं। लेकिन कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ने चाहे नहीं उससे कोई फायदा नहीं, नुकसान नहीं है। लेकिन जो बंदा पढ़ रहा है उसके लिए जल्दी उसके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। ऐसे तो सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो रियल में पढ़ रहा है उसके लिए मैं जरूर पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना? अब इसके बाद पढ़ते हैं हम आगे के सवाल, लास्ट सवाल है। और भाई अच्छा लग रहा हो अगर लेक्चर तो भाई एक बार सब्सक्राइब कर दें, और लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें अगर अच्छा लगे तो। जो बंदा भाई नहीं जानता हो उसको तो सीख ले कम से कम, ठीक ना? तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या कैसे करते हैं ये सवाल। तो ये वाला जो मैंने भाई यहाँ फार्मूला लिखवाया था, देखो सबसे पहले फार्मूला देख लीजिए। क्या फार्मूला लिखवाया था कि संख्याओं का गुणनफल, मीन्स पहली संख्या और दूसरी संख्या। यहाँ मैं फार्मूला लिख ही दे रहा हूँ, पहली संख्या, थोड़ा सूख जाए जब तक मैं मिटा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ फार्मूला लिखवाया था कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर LCM गुणित SCF। बस आपको कुछ नहीं करना है, मान रख देना, सीधा आंसर आ जाएगा। मान ही रखना पड़ता है बारे में, हर जगह एक ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, आपको केवल मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक ना? चलो देख लीजिए, लिख देता हूँ मैं आपके लिए। चलिए तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, मीन्स की सवाल स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो बहुत तेजी से स्टार्ट है। देखिए कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, लिख दिया मैंने पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर LCM गुणित HCF। क्या लिखा है? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर LCM गुणित HCF। बस सीधा मानक देना है। देखिए जिस जिस का मान दिया गया है, ये LCM का मान दिया है, ये HCF का मान दिया है, ये पहली संख्या का दिया है, दूसरी संख्या का ज्ञात करना है, ठीक ना? अब बस आपको कुछ नहीं करना है। पहली संख्या का मान कितना है? एक संख्या 128। कितना है पहली संख्या मान? 128 मल्टीप्लाई सेकंड संख्या का मान x बराबर LCM कितना दिया है? 1920 और मल्टीप्लाई HCF कितना दिया है? 16। इनको हल कर दीजिए। कैसे हल करेंगे? करके बता रहा हूँ मैं, कुछ नहीं करना है आपको, हल मैं कर ही दे रहा हूँ। बस आपको थोड़ा अच्छे दिमाग लगाना है, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बना दिए, ऐसे ऐसे करना है। देखिए यहाँ लिखा अपन ने 128x, एक्स का गुणा करते हैं तो बारह में ऐसा ही आता है। अब इसके बाद 16 का गुणा करेंगे, 16 0 0, 16 2 32 की 2, वहां से लाई 3, 16 147 होंगे। तो देख लेते हैं 160 माइनस 16 कितने हुए? 4, यहाँ एक कम हो जाएगा, 4 44, हाँ 144 हो गए। तो 16 144, 16 3 32 और 32 में जो 3 जुड़े ना अपन ने, 144 में 3 जुड़ो तो 147 की 7, हाँ से लाई 14, 16 1 16 और 14 30, कितने आएंगे? 30। अब इसको एक बार और देख लेते हैं करके, क्या है, गलत नहीं होना चाहिए सवाल। अगर आपका सवाल एक सही हो रहा है ना, और अगर आप टाइम के चक्कर में उसको गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो टाइम ही चलेगा और सवाल भी चला जाएगा, तो इसलिए उसको सही कर लीजिएगा। देखिए 16 0 16 0 1 0, 16 2 32 की 2, हसलाई 3, 16 1 144 की 4, 4 में 3 जोड़े 47 की 7, हसलाई 14, 16 1 16 और 14 कितने हो गए? 30 हो गए, जोड़ दिया ना। अब ये आ गया, अब जो एक्स है इसका ये क्या किया, 30/720, ये यहाँ पक्षांतर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? पक्षांतर, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, क्या किया मैंने, पक्षांतर करने पर, ठीक, पक्षांतर करा तो क्या आ जाएगा, 128 यहाँ आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस काटते जाना है, या फिर सीधा भाग भी दे सकते हैं आप, लेकिन काट दीजिए। 2 6 12, 2 4 8, 2 15, 2 1 2, 2 5
दस दो तीन छ बचा एक दो छिंग बारह जीरो था दो से फिर काट दी दो तीन छ दो दूनी चार यहाँ फिर काटेंगे तो दो कितने बचेंगे दो सत्ते चौदह बचा एक दो छिंग बारह बचा एक दो अट्ठे सोलह शून्य का शून्य तो यहाँ आ गया छिहत्तर अस्सी कितना आ गया छिहत्तर अस्सी बटे बत्तीस फिर से काट दीजिए सोलह आ गया था इधर आ जाएगा दो तीन छः दो अट्ठे सोलह दो चौके आठ दो सौ नौ यहाँ आठ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा दो उन्नीस बीस फिर यहाँ आ जाएगा चार फिर यहाँ आ जाएगा नौ अठारह यहाँ आ जाएगा दो छिंग बारह जीरो यहाँ आ जाएगा दो यहाँ आ जाएगा दो चौके आठ यहाँ आ जाएगा दो अट्ठे सोलह यहाँ आ जाएगा जीरो फिर दो एकम दो दो एकम दो दो दूनी चार दो चौके आठ दो सौ नौ आंसर आ गया 240 कितना आ गया 240 यहाँ दूसरी संख्या कितनी है 240 ठीक ना। तो बस आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है थोड़ा सी आपको दिमाग लगाना है बस आपको इसको आंसर कैसे चेक करेंगे इसका गुणा और इसका गुणा साथ में कर लीजिएगा और इन दोनों का गुणा साथ में कर लीजिएगा दोनों का इक्वल आंसर आएगा तो मैंने समझ जाना कि ये आंसर सही है ठीक। तो आज का था इतना सा प्यारा लेक्चर अगर आप लोगों को ये लेक्चर मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी मेरी आवाज़ थोड़ी मंदी चल रही होगी क्योंकि मैंने बताया कि मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।